घर जाने के बाद 11:45 को करके अप्रोक्स टाइम एक ग्रुप मैसेज आया, एक रात में एक इंसिडेंट हुआ, एक लड़की को मौत हो चुका है, जेस डिपार्टमेंट जो हुआ एक लड़की को मौत हुआ और शायद मर्डर है और रेप भी हो सकते हैं। 10 मिनट्स में उसका इन्फॉर्मेशन हुआ जो डेथ रिपोर्टिंग, और इसका जो डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ वो 12:44 PM में। अब ये 3 घंटा का जो गैप है, 2-3 घंटा का जो गैप है, ये तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, देखिए उतना टाइम क्या कर रहा था। अभी हम लोगों का जो क्वेश्चन है जो 11 और जो 11 फीट है, 11 फुट में कोई फुट प्रिंट नहीं है, इसका क्या गारंटी है। मैंने ड्यूटी करके इधर गया, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, और जो बाहर का डॉक्टर उनको पता चल गया और वो क्राइम सीन पहुंच चुका है। ये जो चीज है ना, ये चीज थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल नहीं, पूरा का झूठा लग रहा है, इसलिए लग रहा है जो एविडेंस भी टेम्पर हुआ। जिस दिन यहाँ पे डॉक्टर का रेप एंड मर्डर हुआ था उस वक्त आप यही इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही थे, क्या हुआ था उस दिन एक्चुअली? देखिए मेरा ड्यूटी था वो 8 PM से अगले दिन 8 AM तक, उस टाइम में कुछ भी नहीं हुआ, हम लोगों का किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत सारा पेशेंट था, हम लोग उसमें बिजी थे। और 8 AM के बाद मैंने मेरा जो हैंडओवर आया डॉक्टर पॉली समद्दर मैडम, उसको हैंडओवर देके हम लोग कॉलिक चाय पी के मैंने 9 AM तक उधर थे, 9 AM के बाद हम घर चला गया। घर जाने के बाद 11:45 को करके अप्रोक्स टाइम एक ग्रुप मैसेज आया, एक रात में एक इंसिडेंट हुआ, एक लड़की को मौत हो चुका है। तो तब भी मैंने मैडम को कॉल किया और इधर उधर कॉल घुमाया, तो मेरे को जो पता चला, तो पता चलने के बाद मेरा पता चला जो वो चेस डिपार्टमेंट जो हुआ, एक लड़की को मौत हुआ और शायद मर्डर है और रेप भी हो सकते। तो अभी क्या हुआ, मैडम जो मेरे को बोला था, मैडम बोला था जो उसको चेस डिपार्टमेंट का जो HOD है डॉक्टर अरुणाभ दत्त चौधरी, उन्होंने मैडम को आके वो 10 AM के बाद बोला था, देखिए मेरा डिपार्टमेंट का एक PGT का डेथ हो चुका है, आप मेरे साथ चलिए और ये डेथ कंफर्म किया और इसके बाद क्या फॉर्मेलिटी हुआ वो दिखाएंगे करिए। तो देखिए कोई भी पेशेंट एडमिट नहीं है, वो तो ऑन ड्यूटी पे थे, सो वो एडमिट नहीं थे, इसलिए उसका जो डेथ कंफर्म करने का जो आदेश है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर है, वो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के पास है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर के हिसाब से वो लड़की को बॉडी इमरजेंसी में लेके आना चाहिए, लेकिन ये तो एक सेंसिटिव केस है, एक लेडी डॉक्टर का उसी ड्यूटी हॉल में मौत हो चुका है। तो मैडम उसको एक मैडम जाके देखा जी, बॉडी ठीक है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो उसके बाद जब उन्होंने जाके देखा, जो भी देखा है, उनको HOD को बोला जो देखिए आप लोग भी प्रोफेसर है, हम भी डॉक्टर है, आपको भी एक्सपीरियंस है, डेथ आप लोग डिक्लेयर किया, हम भी कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए उनके घर वाले को फोन कीजिए और आधार कार्ड लेके आइए, मेरे इमरजेंसी में लेके आइए, इमरजेंसी में एक टिकट करना पड़ेगा, उसके बाद आधार कार्ड के हम लोग डेथ सर्टिफिकेट इशू करेंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम रूम में जाएंगे टाइम एंड कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए। तो अभी क्या हुआ, वो अरुणाभ सर उनको रिफ्यूज किया, जो ऐसा ही मैडम जो बोला, जो शायद वो रिफ्यूज किया इसलिए वो नहीं हो पाया, मतलब वो नीचे नहीं आया था। तो अभी कोलकाता पुलिस, टाला पुलिस का जो रिपोर्टिंग है 10 AM में, मतलब 10 मिनट्स में उसका इन्फॉर्मेशन हुआ जो डेथ रिपोर्टिंग, और इसका जो डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ वो 12:44 PM में। अब ये जो 3 घंटा का गैप है इसीलिए हुआ, जो उधर से कोई नहीं आया, ब्रॉड डेट कस्टोडियन होना चाहिए जो साइन करेंगे, आधार कार्ड देंगे, उसके बाद ही डेथ सर्टिफिकेट इशू होगा। तो मैडम मेरे को बोला था देखिए वो लोग रिफ्यूज किया, लेकिन रिफ्यूज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जो डेथ हुआ उस डिपार्टमेंट का हुआ, डिपार्टमेंट कोई HOD कोई दूसरा कोई प्रोफेसर और कोई भी, और अगर नहीं होगा तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर उनको उसको कस्टोडियन होना चाहिए था, क्योंकि उसका मम्मी और पापा जब आएगा वो तो देर हो जाएगा ना, तो वो लोग नहीं किया। अब ये 3 घंटा का जो गैप है, 2-3 घंटा का जो गैप है, ये तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, देखिए उतना टाइम क्या कर रहा था। जो मेरा जो कन्फ्यूजन है और जो डॉक्टर लोग अभी आंदोलन कर रहा है, जो लाल बाजार के सामने जो धरना दे रहा है, इसीलिए देखिए उस 3 घंटा में वो लोग क्या किया, इसलिए कन्फ्यूजन है। उसके बाद कुछ वायरल वीडियो न्यूज में आया था, उस वायरल वीडियो में दिखा रही थे जो जो सेमिनार रूम में जो बॉडी मिला था, तो उसका वो मैडम DC सेंट्रल मैडम बोल रहा था जो कॉर्डन ऑफ किया 40 फीट में 51 फीट का
लंबाई में। तो अभी हम लोगों का जो क्वेश्चन है जो 11 और जो 11 फीट है, 11 फुट में कोई फुट प्रिंट नहीं है, इसका क्या गारंटी है? और वो एंट्री एग्जिट एक हो और दो हो, क्रिमिनल तो उसमें जा सकते, और अगर वो 11 फुट में जो भी जो लोग रह रहे थे उनका जाने का क्या मकसद है? उनमें दिखाई दे रहा है बहुत सारा डॉक्टर है जो भी फॉरेंसिक का है, एक एडवोकेट है, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर ऑफ नेशनल मेडिकल कॉलेज जो प्रिंसिपल का एक्स प्रिंसिपल का पीए थे, क्यों उसका क्या काम था? डेटा एंट्री वो नेशनल मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड, इधर बोल रहा है वो एक प्रिंसिपल का पीए, जो भी है पीए है तो क्राइम सीन में किया है, और उधर कोलकाता पुलिस खड़े थे तो एक क्राइम सीन हुआ, जब क्राइम सीन कॉर्डन ऑफ कर दिए गए वो तो कोलकाता पुलिस के अंडर है अभी, तो अभी उधर इस लोग कैसे जाएंगे? प्रिंसिपल का एक एडवोकेट है, उसका क्या काम है उधर? कोई काम नहीं है, इनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। और जो डॉक्टर है, कोई डॉक्टर वर्धमान मेडिकल कॉलेज का, कोई वो मालदा और आदर्श मेडिकल कॉलेज का, उसको कैसे इन्फॉर्मेशन पता चला? देखिए मैंने ड्यूटी करके इधर गया, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, और जो बाहर का डॉक्टर उनको पता चल गया और वो क्राइम सीन पहुंच चुका है। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल नहीं, पूरा का झूठा लग रहा है, इसलिए लग रहा है जो एविडेंस भी टेम्पर हुआ। और वो जो 51 फुट का 40 फीट का जो थियोरी दिखा रही है, आप कैसे बोल सकते हो क्राइम 11 फुट पे नहीं हुआ, और कोई फुटप्रिंट बाहर में भी नहीं हुआ, और प्लेस ऑफ ऑकरेंस ऐसे ही हुआ, उधर ही हुआ, ऐसा भी तो हो सकते। देखिए कोई भी मर्डर होता है तो बॉडी मर्डर एक जगह पे होता है, डंपिंग अगले जगह पे हो सकते। तो अभी हम लोग वो कोलकाता पुलिस जाके वो 15-20 मिनट में उसको पता चल गया 40 फुट में क्राइम हो गया, ये तो पूरा का पूरा ही एक हास्यकर चीज है, मतलब इनका कोई वैलिड ग्राउंड ही नहीं है। अच्छा, तो, जैसे कि जो डॉक्टर थी वो नाइट ड्यूटी में उस दिन थी, सीनियर वो ही थी, तो हॉस्पिटल्स में तो ऐसा होता है ना कि जूनियर्स उनके अंडर में हो, या पेशेंट के बारे में जूनियर सीनियर्स के पास जा जाके बार बार पूछा जाता है, या फिर चेकअप के लिए, या एक्स्ट्रा जेड काफी काम होते हैं, लेकिन 3 बजे से लेकर 9 बजे तक क्या एक बार भी किसी ने डोर नॉक नहीं किया, या फिर ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये डॉक्टर मैम है कहाँ इतनी देर? देखिए ये भी एक कन्फ्यूजन का बात है, उसी जो देखिए एक मेडिकल कॉलेज है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं, एक डायनामिक डिपार्टमेंट है, सभी टाइम पेशेंट का सर्विस चल रहा है, उधर उनके साथ डॉक्टर है, उधर नर्सिंग स्टाफ है, ग्रुप डी स्टाफ है, पेशेंट दोनों डिपार्टमेंट दोनों वार्ड में पेशेंट है, और पेशेंट का जो घर वाले कोई कोई पेशेंट के उनके साथ रहते हैं कुछ कुछ डिपार्टमेंट के, अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा हेनास क्राइम हुआ, कोई साउंड नहीं हुआ, कोई किसी को पता नहीं चला, ये तो नहीं हो सकते। और एक बात देखिए, अगर 2 PM और 3 PM वो लड़की खाने के बाद सेमिनार रूम में सो गया, ठीक है कोई बात नहीं, अगर वार्ड में पेशेंट खराब होता है तो क्या करते हैं? नर्सिंग स्टेशन में जाती है, नर्सिंग स्टेशन क्या करती है, वो जो स्टूडेंट है मतलब वो जूनियर डॉक्टर जो थे उनके बोलते थे, अगर उनका कोई ओपिनियन लेना चाहिए तो उसके पास ही तो जाना चाहिए, तो उस रात में कोई भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो सस्पिशियस बात है वो 2 to 3 AM to 9 AM तक कैसे हो सकते, ये पूरा का पूरा बात ही मेरे को लग रहा है जो इसके कोई कंट्रोवर्सी तो जरूर है, किसी को ना कुछ तो पता होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकते जो किसी को कोई पता ही नहीं है। जैसे आपने बोला कि HOD ने इमरजेंसी में कॉल करके बोला, कॉल करके नहीं वो आके बोला, हाँ वही आके बोला SOP के तहत की डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करना है, तो बॉडी जिस तरह से देखा गया था एज ए डॉक्टर क्या लगा था कि ये एक नॉर्मल डेथ है या रेप या गैंग रेप? देखिए मैडम जो मेरे को डिस्क्रिप्शन दिए थे और वायरल तो सोशल मीडिया पे उसका पिक्चर भी वायरल हो गया था, ऑफिशियली हम तो नहीं बोल सकते लेकिन सोशल मीडिया के बहुत सारे लोगों को पता चल गया जो उनका बॉडी भी वायरल हो गया था, और मैडम के एक कॉलीग के सब क्या जो भी डिस्क्रिप्शन मैंने सुना है वो तो सुइसाइड नहीं हो सकते, वो तो क्लियर कट केस ऑफ होमिसाइड केस, क्योंकि देखिए कि कोई अंडरगारमेंट्स और लोअर वाली कोई उनके अंडरवेयर नहीं थे, वो ऐसे हालत में तो कोई सुइसाइड नहीं कर सकते, तो ये तो कोई रॉकेट साइंस फॉरेंसिक साइंस भी जानना नहीं चाहिए, इसलिए तो ये बोल ही सकते होमिसाइड है, क्योंकि किसी के ऊपर कोई सुइसाइड के बाद वो मतलब ड्रेस छोड़ के ड्रेस खुल के कोई भी सुइसाइड नहीं कर सकते, ये तो नहीं हो सकता। अभी देखा जा रहा है कि ये जो मर्डर की मिस्ट्री है ये दिन पर दिन और गहरी होती जा रही है, क्या उनके जो डॉक्टर विक्टिम थी उनका कोई भी यहाँ पे कलीग या उनका फ्रेंड कोई ऐसा है जो कि उस दिन के बारे में बता रहा हो या फिर उसे कुछ पता हो? देखिए
कोई भी कहीं पे भी कोई घटना हुआ ना, उसका घटना का उनका आसपास लोगों का कुछ पता चलता, लेकिन इधर क्या हुआ, इस क्राइम के बाद एक महीने ऑलमोस्ट हो गया, एक महीने नहीं, एक महीने से थोड़ा सा काम है, आज तक मैंने सुना नहीं जो किसी से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इधर उधर सुना नहीं। अभी ये लोग जा रहा है, जो भी विटनेस है और जो भी स्टेक होल्डर है, वो सीबीआई ऑफिस में जा रहा था, कोलकाता पुलिस में जा रहा था, वो लोग क्या बोल रहा है हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग किसी के पास कुछ भी सुना नहीं जो वो एक ही बात शायद वो बोल रहा है जो कुछ देखा नहीं। यही कॉन्ट्रोवर्सियल है, कैसे हो सकता।